भाई भाभी कह रहे कि इसमें झूलेंगे। अब मेरा तो वैसे हाल खराब होता है झूलों से, देखना कैसे घूम रहा हो। ये लोग हमें देसी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। बिकुल भाई, क्या बात है भाई। मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। जाम देखना भाई, जाम देखो यार, जाम देखना। सारे पहाड़ी आ गए भाई, पहाड़ी लोग इतने हैं आज मुझे समझ में आ रहा है कितने लोग पहाड़ी। कुछ तो सामने से निकल रहे हैं और ये पार करके पहुंच जा रहे हैं। क्योंकि भाई जाम पता क्यों लगाया है? क्योंकि जाम लगा है महाकौतिक के लिए। और आज है संडे, तो जो आपने लास्ट वॉक में देखा होगा, हम गए थे एक म्यूजिक फेस्ट में, उससे पहले गए थे कौतिक में। तो आज दूसरा दिन है हमारा कौतिक का, उसके लिए आए हैं भाई सुयश, आशु, फन टीवी पहुंच चुके हैं पहाड़ी वजी रास्ते में। प्रकाश और मैं यहाँ जा रहे हैं, और आज तो भाई भाभी भी आ रहे हैं। वाह, क्योंकि एज You might know, मेरी भाभी भी पहाड़ी है। ये आधा पहाड़ी इस वजह से है। नहीं, इस वजह से तो क्या मतलब, वो तो है ही कि चलो घर में एक सारे दोस्त पहाड़ी हैं। सारे दोस्त पहाड़ी हैं। हाँ, मतलब ये है और मैं ही है देसी तुम लोगों के हिसाब से। इतना जाम मैंने जब मैं लास्ट ईयर आया था भाई ना इस मेले में, मैंने उस टाइम ही नहीं देखा था। अलग ही माहौल बना पड़ा है। ये देखो सामने भाई, सारे पहाड़ी जान से आ गए ना, सब आ चुके हैं भाई। आज आ रहे हैं भाई भाभी भी आ रहे हैं, तो वो भी पहुंच चुके हैं, वेट करें हमारे अंदर। बाकी सारे अपनी गैंग पहाड़ी गैंग पहुंच चुकी है, अंदर एंट्री मारते हैं और हम लोग नकली पहाड़ी बन के जा रहे हैं। अंदर डांस चल रहा है, जाके नाचना है साथ में, आज नाचने का है। ये देखो भाई आज का सीन, देखो भाई आज तो एंट्री पे रोकना पड़ रहा है, एक साइड एक को निकालना पड़ेगा तब जाके एंट्री होगी। क्या भीड़ है अंदर, क्या भीड़ है भाई। गेट से मैं नहीं आया हूँ अपने आप, मुझे लाया गया है भाई, उठा के लेके आया मुझे। भाई आज ऐसा सीन हो गया ना, आज सब आए हम अलग अलग, और आज फोन के नेटवर्क ही नहीं आ रहे किसी के, तो हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे अभी तक। और इतनी भीड़ है मतलब पूछो मत, क्या हाल हो रखा आज को। इतनी भीड़ तो कल फेस्ट में नहीं थी, जब हम जाम गए थे म्यूजिकल फेस्ट में। ये देखो भाई, ये बात चल रहा है अलग प्रोग्राम, यहाँ पे इनकी बननी है रील। और एक बात है कि इतने लोगों के बीच में डांस करने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, मतलब जो लड़की है बिल्कुल बेक ऑफ होकर नाच रही है, इतने लोगों में नाचने की हिम्मत चाहिए। ये उस साइड तो देखो बहुत भीड़ है आज, वो तो कुछ हो नहीं पा रहा, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अभी तक अपने बंदे नहीं मिले आपस में सारे, थोड़ी भीड़ कम हो जाए तब मिलेंगे आपस में, पर आगे झूलने के लिए। और ये भाई भाभी कह रहे कि इसमें झूलेंगे, अब मेरा तो वैसे हाल खराब होता है झूलों से, देखना कैसे घूम रहा हो। आप झूलोगी भाभी इसमें? आप बैठोगी पक्का? बैठोगे इसमें? ऐसा ना हो कहीं निकल जाए, गलती से ना निकल जाए। तो आ रहे हो, मजा आया? बढ़िया था भाई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। रिपोर्ट तो मत बैठना जिसमें शीशा टूटा हुआ है। शीशा टूटा हुआ है? कहाँ टूटा हुआ है? सामान टूट रहा है भाई झूले के। अच्छा था भाई, मजा आया? ओके, रिपोर्ट 200 रुपए पूरे वसूल दे। वसूल कर दी भाई ने तो। तुम झूल लो उस वाले में, मेरे लायक वो वाला है, इसमें झूलूंगा। एक्टिंग कर रहा कि बोल नहीं पाता मैं, कि मुझे कैश दे दो। हैंडीकैप लोगों का भी कोई इज्जत नहीं है भाई। नहीं, इधर हैंडीकैप लोगों की भी इज्जत नहीं है कोई। गूंगे लोग को बताओ कैश नहीं दे रहे हैं। गूंगा बनेगा बेचारा कि दे देगा, स्वस्थ समझे साफ मना। भाई डिसाइड ये हुआ है कि हम जा रहे हैं नाव में, ये नाव जो है, क्योंकि वहाँ पे अभी नंबर नहीं आ रहा क्योंकि भीड़ इतनी है। और कसम से बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे ब्लॉग देखोगे जो मैंने बनाए थे अपने शहर की नुमाइश के, वहाँ से भी बड़े और अच्छे झूले थे, मैं वहाँ पे नहीं झूला क्योंकि मेरी सच में भाई हालत खराब होती है। और आधा डर तो मेरा होता है कि जो झूले होते हैं ना, ये होते हैं बहुत पुराने, इनके जो होते हैं बोल्ट नट वगैरह वो बहुत ढीले होते हैं, तो मुझे वो डर लगता है। तो लेट्स होप भाई ये वाले झूले अच्छी क्वालिटी के हों, इनके सारे नट हो रखे हों टाइट और कुछ दिक्कत ना हो। तो आज तुम्हारा भाई हिम्मत करके जा रहा फाइनली इस वाले झूले में। और भाई वीडियो आगे बढ़ने से पहले, जो अपने लेडीज लोग हैं, जो अपने लेडीज सब्सक्राइबर हैं लेडीज, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है अपना स्किन केयर रूटीन। तो उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग सी सेल बताने आया हूँ जो चल रही है वाओ स्किन साइंस पे, जहां पर आपको अप टू 50% का ऑफ मिलेगा अपने फेस वॉश के लिए, अपने
हेयर ऑयल के लिए, अपनी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के लिए और ऐसी ऐसी जो भी किट होती है उन सब पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, क्योंकि अभी वहां पर चल रही है वाओ शॉक प्राइस सेल। और तो और एक सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, इसमें आपको 599 में आपको 3 आइटम मिलेंगे, जिसमें आपको हेयर ऑयल, फेस वॉश और फेस का सीरम मिलेगा। तो अभी का भी जाओ वाओ स्किन साइंस की वेबसाइट पे और इस सेल का फायदा उठाओ, लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में, जाकर क्लिक करो और वाओ शॉकिंग प्राइस सेल का फायदा उठाओ। एक तो ले झूले में और बोल रहे कि यहाँ खड़े होंगे सबसे कोने में खड़े होंगे, आज तो इम्तिहान है भाई, आज इम्तिहान है। वो देखो वहाँ खड़े चौन में, वैसे तो मेरी बात पड़ती है पर आज जब अगर होना ही है तो अच्छे से हो फिर हाँ दिला ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਰੋ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਛੋੜੋ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਮੁਕੁਲ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਕੁਲ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਸੇ ਬੰਦੇ ਹਮ ਪੌੜੀ ਸੇ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਸੇ ਬੰਦੇ ਹਮ ਪੌੜੀ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ भाई। आज तो ऐसी भीड़ आई, ऐसी भीड़ आई है, इससे मैं मिला हूँ 2 घंटे बाद। हाँ, मैं फंस गया था एक जगह, और आज पता नहीं क्या हो रहा, तू देख रहा है कि आज किसी के फोन नहीं मिल रहा बस में। हाँ, वो इतने लोग हो गए तो क्या होगा, नेटवर्क जाम हो जाता है ना फिर, पता नहीं भाई खतरनाक सीन। अब जाकर थोड़ा शांति हुई, आज तो मैं आगे तो पहुंच नहीं पाया स्टेज के पास में, स्टेज पे तो बहुत खतरनाक भीड़। भैया वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले मुझे जो मेरे पहाड़ के साइड से हैं, और उनमें से एक और मिले हैं, आपका नाम अजीत भंडारी, आपका नाम है सर। तो मुझे मुझे एक बात अच्छी लगी भाई की, भाई ने हमारा ब्लॉग देख रहे स्टार्टिंग डेज से ना, तो सपोर्ट वहाँ से बनाया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई जो है नॉन पहाड़ी है। हाँ, नॉन पहाड़ी है भाई ने, बिल्कुल उनको अपने पहाड़ी बना दिया है बिल्कुल। और कल जो कल वाला हमने आपका ब्लॉग देखा था, आप कह रहे थे कि मैं देसी होने के बावजूद भी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी दो भाई, सही वाला ब्लॉग जो हमने कल था वो भी। और बाकी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई को प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मिलकर। और भी अपने भाई सब्सक्राइबर मिले थे, सर मिले यहीं पर रहते हैं नोएडा, और इन्होंने इतने अच्छे से ब्लॉग देखा है कि इन्होंने प्रकाश को बोला कि ये तो वो है, क्या बताया, रंगमंच कलाकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे देखते हो, सपोर्ट वगैरह रखो, साथ में भाई लोग भी आ रखे हैं, जैसे मैं हूँ नॉन पार्टी वैसे ये लोग हैं देसी, ये लोग हमें देसी बोलते हैं पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, ऐसे देखते रहना, सपोर्ट बना के रखना। एक शॉप है भाई यहाँ पे, नाम है लाठी, जैसा होता है लाटा, लाटा का जो वो वाला वर्जन है, फीमेल वाला ना, ये लाठी के सामने शॉप है। नहीं नहीं, वाई फेवरेट वाली। हाँ, मैं तो यहीं से। उत्तराखंड में क्या होता है, ये तीन जगह में कल्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि पहाड़ एक से दूसरे बहुत दूर है। हाँ जी, हाँ जी, भाषा ही चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। सही बात, सही बात। ये लिए हैं यहाँ से मरून वाली लाटा लाठी के, ये लाटा, ये लाठी, आप लाठी लाटा हो गए इसलिए भाभी लाटे। बाकी भैया मजा आ गया आज के इवेंट में भी, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में समझ नहीं आ पा रहा था कुछ भी, कितनी भीड़ थी, और इतनी भीड़ की वजह से जो आपस के जो नेटवर्क थे हमारे फोन के वो भी काम नहीं कर रहे थे, अब जाके थोड़ी शांति भी। बाकी स्टॉल्स वगैरह तो आपको क्या ही दिखाऊं, एक दो है वो आपको दिखाए थे मैंने पिछले ब्लॉग में, क्योंकि जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक ये हट चुका होगा, तब आपको मैं क्या ही दिखाऊँ ये। बाकी वही वाली बात जो मैंने बोली हमेशा कि आप अगर पहाड़ से हो और आप जा नहीं पा रहे घर, तो भाई ये जो कौतिक होता है साल में एक बार, इसमें आप आके फील ले सकते हो पूरे के पूरे कि आप अपने घर उत्तराखंड में ही हो। हम खाएंगे यहाँ पे आज घर की रसोई, शुद्ध शाकाहारी भोजन। यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग तो ऑब्वियसली पहाड़ी हैं, तो इनके पास जो
वो है मेन्यू, उसमें ये वाला खाना भी पहाड़ी और नॉर्मल वाला भी है। तो हमने एक लगवाई पहाड़ी थाली, एक नॉर्मल थाली। बाकी एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में, अभी तो यहाँ लगा रखा है, आगे का प्लान क्या है फिर? क्लाउड प्लान देने, एक क्लाउड किचन खोलने का। अच्छा लिखा है ना यहाँ पे क्लाउड किचन नोएडा, तो अभी हम नोएडा अपने घर से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका ऑनलाइन डिलीवरी जाएगी, ऑफिस में ले सकते हैं। एरिया कौन सा होगा नोएडा? सेक्टर 62, और घर में पार्टी है, 100 जनों को खाना भेजना था बनवा के। अच्छा, खाना पहाड़ी हो चाहे नॉन पहाड़ी, खाना सब मिलेगा। जो लोग बाहर से उत्तराखंड से आ रखे हैं, जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, जो मिस करते हैं अपने घर का खाना, उनको वो लाइसेंस आ जाएगा ये। चलो सही है, एक थाली आएगी अपने पहाड़ी। आप बताओ पहले खाओगे कि टेस्ट कैसा है? क्योंकि आपको नहीं सो चेसू है, हाँ ये चेसू दाल, चेसू बोलते हैं, चेसू बोलते हैं, चेसू की दाल नहीं होती, काली दाल के बनता है ये। और ये वो है आलू की तिचोड़ी, आलू क्या, आलू ये मूले की तिचोड़ी है, मिक्स करके बनाई है। अच्छा, और ये मंडवे की, मंडवे की, ये झंगोरे का भात है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। टेस्ट बताओ आप, जैसे आप तो वहीं की हो पहाड़ी। अच्छा है, इसका चटनी कहाँ है? तो जो खाना खाया हमने पहाड़ी, वो जो जिसके हाथों से बना है वो इंसान ही है, और हमारे ब्लॉग्स भी देखते हैं। और आपको ऑल द बेस्ट, जल्दी स्टार्ट करो और फिर बिल्कुल। और फिर हम फिर से आएंगे एक बार वहाँ पे, इंतजार करेंगे आपका। आपका इंतजार करेंगे। मन चाहे बिल्कुल, इतना अच्छा था ना, बहुत पॉपुलरिटी बहुत मिली, 4 दिन से खाया ना, 4 दिन से खाया, टेस्ट तो अच्छा था। लोग खाना खाए आधा छोड़ के वहाँ तारीफ करने, यही कह रहा था, कह रहा भाभी यहाँ जितने उसमें ना सबसे अच्छा खाना ही है, इसने टेस्ट भी किया था ना, तारीफ कर रहा था। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कितने हैं, कितने कितने, 100 के, 100 के 10, 100 के 10 में 100 वापस लेके आने हैं। नहीं होता कुछ, नहीं होता करी बड़े वाला दे दो, एक भी किसी करी बड़े वाला दे दो, रिंग कैसे बैठेगा, जिससे कि सारे आ जाए एक में। मेरा साबुन खत्म हो गया, कौन से वाला, लिरिल वाला आया, आ गया फ्रूटी, आ गई भाई, नहीं ये कर्नाटक है, आ तो गई, ये क्या बात है भाई, चल चल चल। अरे यार रुको, हाथ इतने बड़े हैं इसके, वहीं रख दे जाके जाके रख दे, हाथ इतने बड़े हैं अभी यार। प्रकाश यार तो किया भी, एक मिनट चुप, हो गया। अच्छी स्कीम है भाई, अच्छा बिजनेस है, स्कीम अच्छी लगी मुझे। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।